अभी मामला जी, मैडम ने मेरी जाति को अपमान किया, मुझे झंडा नहीं फहरा दिया, मैं चमार और इसलिए नहीं। आप प्रतिनिधि हो सरपंच हो, आप जाने प्रतिनिधि तो मुझे झंडा नहीं फहरा मैडम, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हो ना। बारीलाल अरबार सरपंच वर्तमान ग्राम पंचायत भगवानपुर। क्या मामला हुआ जो? मामला ये हुआ है कि कल ने मुझे फोन लगाया गुदा मास्टर ने, मैंने कही मास्टर से जब तक मैडम मुझे प्रमाणित नहीं करेंगे जब तक मैं स्कूल में नहीं आऊँगा। तो उधम मास्टर ने कही कि लग आप बात कर लो मैडम, मैडम ने बात नहीं करी मुझसे, बात नहीं करी। सुबह आप जनपद से झंडा फहरवा दिया, मेरी समाज का मेरी जाति का अपमान किया है इसने। तो स्कूल नहीं गए थे आप? मुझे बुलाया नहीं है, मैं नहीं गया। गलत बोलती है मैडम। क्या बोलती है मैडम? देखे दिए तुम चमार हो क्या जानते हो? मैं अमीर रमजान हूँ, मेरा मैं पंचायत सचिव हूँ यहाँ भगवानपुर ग्राम पंचायत में। सर मैं जब से यहाँ पर पदस्थ हूँ तब से मैंने ये देखा है कि ग्राम पंचायत भगवानपुर में स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, झंडा वंदन का कार्यक्रम ग्राम पंचायत में सरपंच साहब करने के पश्चात स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर झंडा वंदन करते हैं, और इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं और इसके लिए पूर्व से सरपंच साहब को मोबाइल से या किसी भी तरह से सूचना दे दी जाती है कि आप लोग आप आमंत्रित हैं और झंडा वंदन का कार्यक्रम में शामिल होइए, ऐसा होता आया है अभी तक। इस बार सरपंच साहब का ये कहना है कि आप मुझे पहले से आमंत्रित नहीं किया गया। हाँ, इस बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल हमने पंचायत का जो हमारा अमला है उसको आदेशित किया है कि मामले की जांच करें कि इसमें क्या सच्चाई है, और यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और इस तरीके का जो बताया जा रहा है वो है तो बिल्कुल विधिक कार्रवाई जो नियमानुसार बनती है, जांच में अगर वो सत्य पाया जाता है तो बिल्कुल की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार जो पंचायत मुख्यालय हैं तो वहाँ पे तो सरपंच बिल्कुल अधिकृत भी हैं और उनको आमंत्रित भी किया जाता है पंचायत मुख्यालय में ध्वजारोहण के लिए, झंडा वंदन के लिए, वही केवल अधिकृत हैं। अगर ऐसा कोई मामला है कि जातिगत बेसिस पे कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है या कुछ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है तो जाँच के उपरांत बिल्कुल विधि संगत कार्रवाई करवाई जाएगी इसमें।